अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता, न्यायाधीश कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। निर्णय कानूनी सिद्धांतों के आधार पर लिखे जाते हैं, ना कि राजनीतिक संबद्धताओं के आधार पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी, जिसके कारण उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। केजरीवाल के जांच में शामिल न होने, उनके द्वारा की जा रही देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के समय सवाल उठाया था। इसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका भी दायर की थी। उन्होंने कहा था कि यह लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है। इधर ईडी ने याचिका का विरोध किया और दलील दी कि केजरीवाल चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते, नागरिक पर समान रूप से लागू होता है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं ईडी ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।